नमस्कार वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, और खुशखबरी ये है कि हमारा डीएडीआर की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, केंद्र कैबिनेट ने बढ़े हुए डीएडीआर पर मुहर लगा दी है। आज कैबिनेट की बैठक हुई थी दोस्तों, और कैबिनेट की बैठक में जनवरी 2024 से बढ़ने वाले डीएडीआर की घोषणा हो गई है। ना 5% ना 3%, आज से लगभग 2 महीने पहले सैनिक पाठशाला ने जो आपको जानकारी दी थी 4% की बढ़ोतरी होगी, उसकी घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, 4% हमारा डीएडीआर मिल चुका है, और हमारा ये जो बढ़ा हुआ रेट है वो जनवरी 2024 से लागू होगा। अब चूंकि मार्च के महीने में इसका डिक्लेरेशन हुआ है, तो आगे जो मार्च का पेमेंट या पेंशन मिलेगा उसमें 4% की बढ़ोतरी के हिसाब से ही हमें पेमेंट या पेंशन मिलेगा, लेकिन 2 महीने का हमें एरियर मिलेगा, यानी कि जनवरी और फरवरी महीने का। तो आज के इस वीडियो में आपको इस खुशखबरी के साथ ही साथ आपका पेंशन में हर महीने का अब कितना बढ़ोतरी हुआ है, और साथ ही साथ आपका 2 महीने का एरियर कितना बनेगा, उसका बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा 2 सेकंड वाला कैलकुलेशन भी समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करके रखे हैं, उन सभी पॉइंट्स को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, खुशखबरी, केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीएडीआर की बढ़ोतरी की घोषणा। जी हाँ, आज केंद्र कैबिनेट ने इसकी घोषणा कर दी है। डीएडीआर में 4% की बढ़ोतरी, अब डीएडीआर 46% से बढ़कर 50% पहुंचा। जी हाँ, जनवरी 2024 से 50% पहुंच चुका है डीएडीआर। मार्च के पे या पेंशन से मिलेगा 50% डीएडीआर। बढ़ा हुआ जो हमारा डीएडीआर है, ये मार्च महीने के एंड में जो हमें पेमेंट या पेंशन मिलेगा उसके साथ बढ़ करके आ जाएगा, लेकिन जनवरी और फरवरी महीने का जो है दोस्तों एरियर मिलेगा, जनवरी और फरवरी का, यानी कि 2 महीने का एरियर मिलेगा। तो केंद्र कैबिनेट से अब हमारा डीएडीआर 50% पहुंच चुका है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके हर महीने के पेंशन में बढ़ोतरी कितनी होगी या पेमेंट में बढ़ोतरी कितनी होगी। चाहे आपका कितना भी बेसिक पे हो या बेसिक पेंशन हो, आप अपनी बढ़ोतरी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहां मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 18,807 रुपए बेसिक पेंशन को लिया है। मान लीजिए किसी का बेसिक पे या बेसिक पेंशन 18,807 रुपए है, या आपका कितना भी है, 20,107 है, 21,782 है, या जितना भी आपका बेसिक पे या बेसिक पेंशन है उसको लीजिए और उसको गुणा कर दीजिए 0.04 से। 0.04 से जैसे गुणा कर देंगे, जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा आपका हर महीने की बढ़ोतरी। अब इन पेंशनर की बात करूं या ये वाला अमाउंट की बात करूं, तो 752.28, यानी कि 753 रुपए का हर महीने का पेमेंट या पेंशन में बढ़ोतरी। चाहे आपका जितना भी हो दोस्तों, 20,107 रुपए आपका बेसिक है, तो उसके साथ 0.04 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डीएडीआर का जो आंकड़ा है एक महीने के बढ़ोतरी का 4% के हिसाब से, जो 46 से 50% होने पर आपके पेंशन या पेमेंट में कितने की बढ़ोतरी होगी वो निकल जाएगा। यानी कि 18,807 रुपए जिनका भी बेसिक पे या बेसिक पेंशन है, उनके हर महीने की बढ़ोतरी अब हो गई है 753 रुपए की। और अगर 2 महीने का आप डीएडीआर निकालना चाहें दोस्तों, तो 0.08 कर दीजिए। जैसे 0.08 कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 1504 निकल जाएगा। इसके साथ 2 रुपए जोड़ दीजिए, आपका जितना भी निकलता है उसके साथ 2 रुपए जोड़ दीजिए, आपको 2 महीने का कितना एरियर बनेगा जनवरी और फरवरी महीने का मिला करके, वो आपको इस अमाउंट से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये ही आपका होगा 2 महीने का, या तो फिर इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए, वो भी एक ही अमाउंट निकलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डीएडीआर की बढ़ोतरी और आपका हर महीने का बढ़ोतरी और साथ ही साथ 2 महीने का एरियर का जानकारी देने के लिए आया था। अगर और कोई जानकारी था आपसे सरकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।